प्रदेश में कभी हमारा इस हिस्से से विधायक बन गया, कभी उस हिस्से से विधायक बन गया, और हमारी पार्टी से कई बार कई विधायक बने जो आज दूसरे दल में भी चले गए, कांग्रेस में भी चले गए। और मैंने याद दिलाया कि जिस समय कांग्रेस को समर्थन की जरूरत थी उसमें सबसे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक ने समर्थन किया था और सरकार बनी थी। हम बीजेपी के खिलाफ हैं, और जिस समय भी कांग्रेस के नेताओं से बात हुई उस समय मैंने कहा कि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, जो हमसे सहयोग लेना चाहो ले लो। और उस समय उन्होंने बैठक करके रात में 1 बजे बैठ करके, जिसमें हमारी पार्टी के MLC रहे श्याम सुंदर जी, विधायक रहे दीपक, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, पार्टी के संगठन के डॉक्टर मनोज, इन लोगों ने बैठ करके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों से बात की। उन्होंने रात के 1 बजे जब मीटिंग खत्म दी उन्होंने आश्वासन दिया कि 6 सीटें लगभग आपको दी जा सकती हैं, और वो खबर अखबार में भी छपी। मुझे भरोसा हो गया कि 6 नहीं कम से कम 4 दे देंगे। लेकिन जब सूची आई कांग्रेस की तो जो हमारा सिटिंग MLA है उस पे भी उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिया। इसलिए मजबूरी में समाजवादियों को अपने जहां मजबूत क्षेत्र हैं वहां पर कार्यकर्ताओं की भावना को समझते हुए हमें लड़ाना पड़ रहा है। मैं ये भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी उन्हीं सीटों पे लड़ेगी जहां पार्टी का संगठन है या संगठन उनको कहेगा हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, उस लक्ष्य में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जहां तक सवाल है एक कांग्रेस नेता के बारे में, आजमगढ़ का रिश्ता समाजवादियों से बहुत गहरा है। अगर कोई आजमगढ़ पर टिप्पणी करेगा तो वो लोग भी सुनने के लिए तैयार रहें, या फिर सोच समझ करके बोलें। अगर अपने बड़े नेताओं से पूछ करके बोल रहे हैं आप तो बात अलग है, लेकिन अगर आप आजमगढ़ पर कुछ बोलेंगे जो इमोशन आजमगढ़ से समाजवादियों का है, हो सकता है कांग्रेस का इमोशन रायबरेली अमेठी में भी वही हो। तो हम लोगों ने कभी टिप्पणी रायबरेली अमेठी पे नहीं की, इसलिए उनको सावधान रहना चाहिए। आजमगढ़ जैसी जगह पर उसी तरह के इमोशन का भाव है, इसलिए टिप्पणी करने से पहले बहुत सोचना चाहिए। वो लिख करके दे दें कौन से फायदा हो रहा है, वो कौन है चीज, फिर तुम शुरू हो गए। मैं आपसे, अरे भाई जिसको हाँ ये बात तो आपने ठीक कही, जो प्रत्याशी हाल में दूसरे दल में गई हैं, आप जरा व्यक्तिगत उनसे बात करना। मैंने उनसे ये कहा कि आप पहली मेयर बनने जा रही हैं महिला, कांग्रेस पार्टी को साफ करना चाहिए था। मेरा मानना यह है कि अगर आपको सीट नहीं देनी थी तो समाजवादियों से बात नहीं करनी चाहिए थी। आपको पहला ही कदम ये उठा लेना चाहिए था कि आप अपना संगठन और अपनी पार्टी के हिसाब से लड़िए, और जो सहयोग चाहते वो बता देते तो शायद समाजवादी पार्टी सहयोग करती और खड़ी रहती। लेकिन उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, न कोई समाजवादी पार्टी को इस लायक समझा उन्होंने, इसलिए समाजवादी पार्टी वहीं लड़ रही है जहां पर समाजवादी पार्टी का संगठन और मजबूत प्रत्याशी। इटिया गठबंधन अब मुझे पता लगा है मध्य प्रदेश के बाद भारत के चुनाव के लिए है, इंडिया के चुनाव के लिए है, देश के चुनाव के लिए है। तो देश का चुनाव आएगा तब बात की जाएगी, और जिसको सीट चाहिए होगी या जिस पे बातचीत होगी वो अलग प्लेटफॉर्म है। लेकिन ये सवाल ये है क्रेडिबिलिटी का है कि अगर कांग्रेस इसी तरह का व्यवहार करेगी तो कौन उनके साथ खड़ा होगा। इसलिए मैं कोई राय सुझाव नहीं दे रहा हूँ कांग्रेस पार्टी को, लेकिन देश के सामने बड़ी चुनौती है। बीजेपी बड़ी पार्टी है, बीजेपी बहुत ऑर्गेनाइज्ड दल है, इसलिए उसके मुकाबले के लिए कोई भी कन्फ्यूजन किसी दल के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर कन्फ्यूजन के साथ आप चुनाव लड़ोगे बीजेपी से तो आप कामयाब नहीं होगे। फ्रॉम ब्रेकिंग न्यूज, डिटेल्ड एनालिसिस, इन डेप्थ इंटरव्यूज एंड एक्सप्लेनर्स, फॉलो द टाइम्स ऑफ इंडिया, सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियोस एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट।